एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सीएम योगी के आर्थिक अपराध पर नियंत्रण करने के निर्देशों का प्रतापगढ़ जिले में बड़ा असर दिखाई दिया है। प्रतापगढ़ पुलिस ने बड़े आर्थिक अपराध का खुलासा करते हुए चेक क्लोनिंग से फ्रॉड करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया। यह सभी फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए फेक अकाउंट खुलवाकर क्लोन चेक से ठग करते थे। लेन देन करने वाले 3 साथी जालसाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार किए साथियों ने 65 चेक की क्लोनिंग करके बैंक से करीब 125 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में प्रतापगढ़ के एसपी सतपाल अंतिल का। चेक को क्लोन करके कुछ अपराधियों के द्वारा बैंकिंग सिस्टम में लूपहोल्स का फायदा उठा के प्लस कर्मचारियों की संलिप्तता और लापरवाही के दृष्टिगत कई मामले संज्ञान में आए, जिसमें कि चेक क्लोन करके ये खातों से पैसे दूसरे खाते में ट्रांसफर कर लेते थे। इसमें ये फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और फॉर्म रजिस्टर करा के अकाउंट जनरेट करवाते थे। उन अकाउंट में फर्जी क्लोन चेक के माध्यम से ये पैसे ट्रांसफर कर लेते थे। ये पूरी की पूरी मोडस ऑपरेंडी को बेसिकली एस्टेब्लिश करने के लिए एक टीम का गठित किया गया था, जिसमें एएसपी अंडर ट्रेनिंग के द्वारा इस टीम के नेतृत्व किया गया और इसमें 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वो इस प्रकार से इस कार्यप्रणाली के द्वारा ठगी करते थे, लोगों के पैसे ट्रांसफ़र करते थे। इन सारी चीज़ों को बैंकिंग ऑफिशियल्स के साथ भी काफ़ी लगातार पूरी प्रक्रिया के दौरान डिस्कस किया गया और बड़ी रिस्पॉन्सिबल तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा इन सारी चीज़ों को मानते हुए जो चेक क्लियरेंस की प्रणाली है उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव भी किया गया है। अभी हमारी टीमें इस पूरे के पूरे गैंग को और जो पूरी प्रक्रिया है इसको एस्टेब्लिश करने के लिए अभी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे रेल विभाग की खबर की, जहां रेलवे दोहरीकरण की वजह से बंद किया गया अंडरब्रिज, करीब 50,000 लोगों का आवागमन हुआ। बाधित इलाके के लोगों ने लिखा केंद्रीय मंत्री को पत्र। बता दें ग्राम सभा गोबरी, लोहंगपट्टी, संग्रामपुर, बांसी, कमास, मंगापुर आदि कई ऐसे गाँव हैं जिनकी आबादी 50,000 से ऊपर है। इनके घर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। उपरोक्त गाँव के लोग पूर्व से पश्चिम प्रतापगढ़ लखनऊ राजमार्ग से होते हुए किसी तरीके से शहर में आते थे, लेकिन रेलवे दोहरीकरण की वजह से अंडरब्रिज को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से चमरौधा नदी पर गोबरी ग्राम के रेलवे पुल की अब यह लोग डिमांड कर रहे हैं। इसके लिए बाकायदे नितिन गडकरी को भी पत्र लिखा गया है और उच्च अधिकारियों से इस मामले को अवगत कराया गया है। देखना यह होगा कि इन गाँव वालों की समस्याओं का समाधान प्रतापगढ़ का जिला प्रशासन कब तक कर पाता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नगर कोतवाली इलाके की खबर की, जहां शहर में धड़ल्ले के साथ चल रहे हैं ओवरलोड वाहन, पुलिस बनी मुख दर्शक। बताएं तस्वीरें नगर कोतवाली इलाके के सिविल लाइन स्थित अम्बेडकर चौराहे की है, जहां देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर ओवरलोडिंग की जा रही है और यहां से निकलने वाली गाड़ियों को ट्रैफिक पुलिस द्वारा चेकिंग भी नहीं की जाती। खास बात यह है कि दिन भर बाइकों की चेकिंग करने वाली यह पुलिस जैसे ही ओवरलोड वाहनों को देखती है वह मुख दर्शक बन जाती है और अपना मुँह फेर लेती है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देख सकते हैं किस तरीके से प्रतापगढ़ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वह बदहाल है और यहाँ पर किस तरीके का कार्य किया जाता है। इलाके के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि आए दिन बाइकों की चेकिंग की जाती है, लेकिन ओवरलोड वाहनों की चेकिंग करने की जरूरत पुलिसकर्मियों द्वारा नहीं समझी जाती, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है और इन्हीं ओवरलोड वाहनों की वजह से आए दिन एक्सीडेंट होती है। देखना यह होगा कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ प्रतापगढ़ का पुलिस प्रशासन किस तरीके की कार्रवाई करता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नगर पालिका इलाके की खबर की, जहाँ पालिका सदन की बैठक में 69,020 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर लगाई गई मुहर। बता दें कि प्रतापगढ़ नगर पालिका बोर्ड की पहली बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुमानित बजट 69.20 करोड़ रुपए पर सर्वसम्मति से सदन ने अपनी मंजूरी जताई। विस्तारित क्षेत्रों का विकास कार्य प्राथमिकता देने पर भी सदन में सर्वसम्मति से सहमत जताई गई। सही नदी के किनारे बनाए गए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन कराने से पहले इस पर आने वाले खर्च का विवरण जुटाने और ATP का सत्यापन करने के लिए बोर्ड ने एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया। कमेटी की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर ही उसका संचालन करने का निर्णय लिया गया है। बता दें नगर पालिका बेल्हा के बोर्ड की पहली बैठक शुक्रवार को पालिका सभागार में नवनिर्वाचित अध्यक्ष हरिप्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई। शुरुआत सदस्यगणों के सम्मुख आय व्यय का विवरण प्रस्तुत करने से की गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित आय 78.21 करोड़ रुपये के सापेक्ष 69.20 करोड़ रुपये की कार्ययोजना पर सदन ने सर्वसम्मत से मुहर लगाई। इसमें नगर की साफ सफाई, पेयजल आपूर्ति से लेकर विस्तारित क्षेत्रों में विकास कार्य शामिल किए गए। विस्तारित क्षेत्र में साफ सफाई सहित अन्य गतिविधियों के लिए सेवा प्रदाता कंपनी से कर्मचारियों की डिमांड करने पर भी सहमति बनी। नगर का पेयजल व्यवस्था मजबूत करने के लिए भी सहमति बनी है।